हैं आप लोग। बच्चों का गेम्स था हमारा, बच्चों का कुछ राइड्स था कि वहाँ पे तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं। बिल्कुल पॉइंट ये है, स्टैचू है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन टाउन, और अभी हम लोग का प्लान है, रांची में एक मॉल खुला है, मॉल ऑफ रांची, जो की झारखण्ड का सबसे बड़ा मॉल में आ रहा है। तो आज हम लोग प्लान किए कि चलो मॉल ऑफ रांची घूम कर आते हैं, सारे बच्चे, हम और मेरे सर। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं गाइस घूमने, और वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। देखे हैं हम, जैसे बहुत किसी के ब्लॉग में देखे हैं, वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। तो चलो मॉल घूमते हैं और वहाँ का व्यू खुद भी देखते हैं, और बच्चे भी खूब मस्ती कर लेंगे, और वहाँ का व्यू कुछ आप सभी से भी शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो गाइस, और वहाँ पहुँचते हैं फिर आप सभी को भी वहाँ का व्यू दिखाते हैं। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तो है तो मुझे फिर और क्या नहीं, चाहिए? नहीं चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सो यहाँ पे हैं हम लोग मॉल ऑफ रांची के पार्किंग में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करने आए हुए थे। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं मॉल ऑफ रांची। पर जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, स्टैचू देखने को मिलेगा, और ये रहा कुछ यहाँ का व्यू। हम लोग जस्ट यहाँ से एंटर करने वाले हैं। ये सेल्फी पॉइंट है क्या? सेल्फी पॉइंट ये है, स्टैचू है। तो गाइस, ये रहा, ये जो है सेल्फी पॉइंट है हमारा, यहाँ पे सब कोई आकर यहाँ पर फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और हम मेरा फोटो ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, फोटो देख लो। अभी फोटो नहीं क्लिक किए, नहीं किए हैं। अच्छा नहीं ना कर, पर पूरा आना चाहिए ये पूरा। और नहीं तो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं गाइस मॉल ऑफ रांची के अंदर। फाइनली यहाँ सेंसर प्रूफ गेट लगा हुआ है। सो जैसे ही हम लोग मॉल के अंदर गए गाइस, वहाँ का तो डेकोरेशन इतना खूबसूरत मेरे को लगा देखने के बाद कि मत ही पूछो गाइस। वहाँ का डेकोरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं वहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा लग रहा है। सो उसके अलावा गाइस, वहाँ पे इतना लाउडली म्यूज़िक चल रहा था कि वहाँ पर तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं बना। तो यहाँ पर हम लोग मॉल घूम रहे थे थोड़ा बहुत इधर उधर। मेरे बच्चे जो हैं एस्केलेटर पे जा रहे हैं, जो कि हमको देख के बहुत ही टेंशन होता है गाइस, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे अंदर डर समा चुका है उसके लिए। वो लोग कितना भी ट्राई किया, हम नहीं गए तो नहीं गए। सो यहाँ पे तो मेरे बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई थी गाइस। मेरे बच्चे गेम जोन में गेम ना खेलकर ये लोग जो है एस्केलेटर पे इधर से उधर आना जाना किए हुए था, और मेरा तो जान ही निकल रहा था गाइस। सच पूछो तो इन लोगों को जितना ही मना करो, इतना जा रहा है आ रहा है, देख ही सकते हैं आप लोग। ये लोग जो है मेरे को भी परेशान कर रहे थे, अपने पापा को भी परेशान कर रहे थे साथ साथ में, वो भी पीछे पीछे आ रहे थे इन लोगों को देखने के लिए। और मेरा तो हालत ही ख़राब था, मत ही पूछो, हम तो बाहर से बहुत ही टेंशन में थे गाइस। सो यहाँ पे कलेक्शन की बात करो, तो यहाँ पे हमको कुछ लेडी वेयर देखने को मिला, और उसके अलावा गाइस हमारा होममेड डेकर भी था, जिससे हम घर को डेकोरेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फ्लोर पे जब गए, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लेक्स था, जहाँ पे PJP सिनेमा हॉल है, जहाँ पर सारे लोग जो है सेल्फी क्लिक कर रहे थे, और हम उन लोगों का शूट कर रहे थे। सो यहाँ पे देखो, बॉक्स ऑफिस के बाहर में सारे लोग सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, और साथ साथ में कुछ पागलपंती हम भी कर दिए गाइस। सो देख ही लो, सामने हैं आप लोगों के। सो नेक्स्ट फ्लोर पे जब हम लोग गए, तो वहाँ पे हमारा KFC था, और वहाँ कुछ रेस्टोरेंट भी थे, और हमारा वहाँ पर ड्रिंकिंग रेस्टोरेंट भी था। सो
सो उसके अगले नेक्स्ट फ्लोर पे जब हम लोग गए गाइस, तो उस फ्लोर पे था हमारा किड्स जोन, जिसमें कि बच्चों का गेम्स था, हमारा बच्चों का कुछ राइड्स था, कार वगैरह स्टंट था कुछ। सो बच्चे किए फुल मस्ती और फाइनली हम लोग घर के लिए वापस आ गए। अभी हम लोग आए हुए हैं गाइस रेस्टोरेंट में खाने के लिए। अभी हम लोग क्या खाने वाले हैं? हर्ष भी हो? मसाला डोसा। तो गाइस अभी हम लोग मॉल ऑफ रांची से घूमकर आ चुके हैं और एक रेस्टोरेंट में रुके हुए खाने के लिए। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं मसाला डोसा। तो मॉल ऑफ रांची में गाइस गैदरिंग तो इतना ज्यादा कि हमको तो चक्कर मार रहा था वहाँ पे। सच पूछो तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भीड़ था कि मत ही पूछो। फिर हम लोग सोचे कि बस घूमोगे वहाँ पे, हम लोग मतलब मॉल घूम लिए अच्छी तरह से चारों तरफ। और फिर वहाँ पे इतना ज्यादा म्यूजिक चल रहा था कि वहाँ पे मेरे को मतलब वॉइस ओवर देना पड़ेगा, अगर देंगे तो वॉइस ओवर दे सकते हैं और बाकी सीन थोड़ा बहुत शूट कर पाए। और उसके बाद बस डायरेक्ट आए हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए और खाएंगे और बस घर जाएंगे। यहाँ पे गाइस सबका आ गया है डोसा, हर्ष का, पीहू का और इनका, सिर्फ मेरा नहीं आया। देखो मेरा खाली, तुम्हारा ही था, पीहू नहीं। मेरे बच्चे खुश तो हम खुश। अरे मम्मा को नहीं खिलाओगी? ओले गाइस देखो पानी का लाइन लाइन। तो फाइनली मेरा भी आ चुका है यहाँ पे डोसा गाइस और भी जा रहे खाने। तब से इन लोगों का मेरा ये आया है ट्रेंगल से पाया है। ठीक है खुश, हर्ष खुश, पीयू खुश। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ डिनर कर लिए क्योंकि अभी रात हो चुका है, तो डिनर हो गया मान के चलो। घर पे जाएंगे बस बिंदास सोना। यहाँ पेमेंट हम लोग कर दिए और फाइनली अब जा रहे हैं हम लोग घर। इस रेस्टोरेंट में और भी ब्लॉगर लोग आए हैं उधर, आप लोग ब्लॉगर है ना? तो यहाँ पे जो चार बॉय दिख रहे हैं ये लोग भी ब्लॉगर हैं। तो हम लोग अब बाहर की ओर जा रहे हैं और ये लोग बच्चे जो हैं हमारे, आइसक्रीम ले लिए ना अपने पसंद का? ये देखो महंगा महंगा और सस्ता कर रही है पीहू, मेरा भी महंगा आइसक्रीम। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए घर। तो मॉल ऑफ रांची के बारे में क्या हम रिव्यू दें? हमको तो यही लगा कि मॉल ऑफ रांची बहुत बड़ा मॉल है, ये तो है। मतलब उसमें हमको लगता है कि जैसे हम लोग एंटर किए ना, तो हम लोगों को पार्किंग में जो गए बहुत जगह जगह पर सेंसर लगा हुआ था। एक चीज बेस्ट लगा बाय द वे, अगर फास्ट टैग आपका चिपका हुआ वहाँ सामने नहीं है, अगर अंदर भी है तो भी वो सेंसर काम कर रहा है, अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। और प्लस हमारे गेट में भी सेंसर था, जैसे ही वहाँ पे नज़दीक जाओ सेंसर से खुल जा रहा था गेट, अच्छा लगा। और प्लस बाहर में जैसे ही मतलब एंटर किया तो वहाँ पे एक स्टैचू बनाया हुआ था, वो भी बहुत बेस्ट लगा। प्लस अंदर भी बहुत ही बड़ा मतलब मॉल है। तो और साथ साथ एक चीज़ मतलब हम लोग ब्लॉगर के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा म्यूजिक था, इतना ज़्यादा कि कहीं का भी शूट अगर हम करें भी है तो वहाँ पे हमको वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना म्यूजिक था कि बोलते भी तो हमारा कॉपीराइट आ ही जाता मेरे वीडियो पे, इस वजह से उसमें हमको वॉइस ओवर देना होगा। सो बस तो आज का ब्लॉग यही पेंट करेंगे गाइज। होप करते हैं ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ कमेंट भी करिएगा। जरा सा सपोर्ट का जरूरत है आप सभी का गाइज, सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।